मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के थाना पाकबाड़ा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार हाईवे के निकट अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के द्वारा थाना पाकबाड़ा क्षेत्र के गिंदोड़ा पुलिया के पास कैलसा रोड आउटर कस्बा के पास से थाना पाकबाड़ा पुलिस व एसओजी संयुक्त टीम द्वारा चोरी के वाहनों का कटान करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग लग्जरी गाड़ियों को काटकर बेचने का धंधा करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से कटी हुई गाड़ियों के इंजन और कटी हुई गाड़ियां भी बरामद की हैं। घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 6 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ा और शातिर अंतरराज्यीय गैंग को बस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो चोरी की गाड़ियों को विभिन्न विभिन्न जगहों से प्राप्त कर उसका अवैध कटान करते थे और उसको फिर मार्केट में जो है सप्लाई भी करता था। इनके पास से इन गिरोह के अभी कुल 6 मेंबर हमें गिरफ्तार हुए हैं और उनके निशानदेही पे कुल 40 इंजन जो गाड़ियों के कटान से प्राप्त हुए हैं और 10 पूरी गाड़ी हमारे पास फोर व्हीलर गाड़ियाँ बरामद हुई है। तो कुल 50 गाड़ियों की बरामदगी इन लोगों के पास से हुई है। इन सभी इंजन के इंजन नंबर से और गाड़ियों की डिटेल से अभी तक कुल 8 चोरी के मुकदमों से कनेक्ट हुआ है। शेष 42 इंजन को और गाड़ियों को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पूछताछ में इन सभी अभियुक्तों ने बताया कि तकरीबन 5-6 महीने से थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के उस जगह ये कार्य चल रहा है, जहां इनके अन्य साथी जो विभिन्न क्षेत्रों से NCR से या मुरादाबाद रेंज के अन्य ज़िलों से चोरी करके गाड़ियां लाते थे, उसका कटान कर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कनेक्शंस पे अलग अलग मोटर मैकेनिक्स को वो जो है सप्लाई करता था, बेचता था। अभी इस गिरोह के 6 अभियुक्तों को शेष गिरफ्तारी करना शेष है, जिसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड भी सम्मिलित हैं। उनकी गिरफ्तारी के उपरांत और भी इस नेटवर्क के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, परंतु अभी तक की एक अच्छी बरामदगी, अच्छा नेटवर्क को ध्वस्त करने में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। हमारी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। देखिए, अभी तक की पूछताछ में और जो मौके से इंजन और बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं, उनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग चोरी की गाड़ियों को लाकर तत्काल उसको डिसमेंटल करके जो बॉडी पार्ट्स हैं गाड़ियों को उसको विभिन्न विभिन्न जगह मार्केटों में बेचते थे जहां इनकी ज़रूरतें थे, और कुछ जनपदों में जैसे बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, सभी जगहों पर। और हमारी टीम इस सभी नेटवर्क को जानकारी करने में अभी लगी हुई है। जो जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। लग्जरी गाड़ी उठाते थे, महंगी गाड़ियाँ, और कहाँ कहाँ से मुरादाबाद जंगल के अन्य जनपदों से भी जाकर कटान करते थे, और कहाँ सप्लाई करते थे, सोचीगंज से भी क्या कनेक्शन। देखिए, अभी तक की पूछताछ से 4 मुकदमे दिल्ली से, 3 मुरादाबाद से, 1 बदायूं से कनेक्ट हुए हैं। शेष हमारे 42 जो इंजन और गाड़ियाँ हैं बची हुई, उनको भी उनके मालिक का ट्रेस करते हुए कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी तक पूछताछ में बताया कि NCR, दिल्ली और आसपास के जनपदों में ये गाड़ियां चोरी करके हर एक तरह की गाड़ियों को चोरी करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेचते थे। देखिए, अभी तक की पूछताछ में इस प्रकार के कोई ट्रेस नहीं मिले हैं, परंतु जो इन्होंने बताया है कि बिजनौर, संभल और मुरादाबाद रेंज के अन्य जनपदों में भी ये सप्लाई करते थे। किन किन को सप्लाई किया जाता था उसकी डिटेल छानबीन की जा रही है। मुख्य मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए जो है हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र जो है उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब बेशक जो इनका कहना है कि जो मास्टरमाइंड और ये जो पूरे गिरोह हैं, ये घेर जहाँ पे ये काटने का या जो इंजन और अन्य बॉडी पार्ट्स रखने का काम करते थे उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज करते रहते थे, ताकि किसी भी व्यक्ति को बहुत शक न हो या कभी वो पकड़े न जाए, और उसको रैंडमली अलग अलग जनपदों में रखते थे ताकि जो है कोई बड़ी कार्रवाई न हो पाए। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, JK News।